वृद्धि निकालने के लिए भी तृतीय क्षेत्र में उत्पाद के मूल्य में से तृतीय क्षेत्र का मध्यवर्ती उपभोग माइनस कर देते हैं तथा हमारे पास तृतीय क्षेत्र द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि आ जाता है। यानी सिंपल सी जो टर्म आप लोगों ने जो समझनी है वो ये है कि यदि हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र में उत्पाद का मूल्य या मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य दिया होता है और हमें सकल मूल्य वृद्धि निकालनी होती है, तो हम उत्पाद के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग का जो भी टर्म है वो माइनस करके हम सकल मूल्य वृद्धि निकाल देते हैं। हर क्षेत्र की ये आपने अलग अलग करनी होगी। इसके बाद बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि प्लस द्वितीय क्षेत्र द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि तथा प्लस तृतीय क्षेत्र द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि। यानी यदि हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं तो इसका जो फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला यही होता है कि हमें तीनों क्षेत्रों में कितनी कितनी सकल मूल्य वृद्धि की गई है उसको कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करने के बाद तीनों को आप जोड़ दो, प्राथमिक क्षेत्र में कितनी हुई है, द्वितीय क्षेत्र में कितनी हुई है तथा तृतीय क्षेत्र में कितनी हुई है। जब हम इसको जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो आएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि या शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? जब हम बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि की गणना कर लेते हैं उसमें से यदि हम डेप्रिसिएशन यानी स्थायी पूंजी का उपभोग माइनस कर दें तो हमारे पास बाजार कीमत पर सकल मूल्य शुद्ध मूल्य वृद्धि यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। ये आपने नोट करना है। जब हम शुद्ध निकाल रहे हैं और सकल हमें दिया हुआ है, सकल में से डेप्रिसिएशन हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा शुद्ध। और जब हम इस क्वेश्चन को देखना होता है तो क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले यदि हम उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी ही जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। वो अभी मैंने बताया आपको कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस के लिए हम तीनों क्षेत्रों को जोड़ दें, तीनों क्षेत्रों से जो मूल्य वृद्धि हुई है उन तीनों को जोड़ दें तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। और यदि हमें एनडीपी एट एमपी निकालना है तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। इसके बाद कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि या शुद्ध घरेलू उत्पाद। यदि हम बाजार कीमत तथा कारक लागत में अंतर की बात करते हैं, इन दोनों जो टर्म है उसमें अंतर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अंतर होता है। यदि हमें कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालनी है, यह निकालने के लिए हम बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि में से हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस करना पड़ेगा। यानी कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि या शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर है बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि माइनस स्थायी पूंजी का उपभोग माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का यहां जो मतलब है वो होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडीज। यानी एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसी तरह से कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय का सिंपल से जो मतलब है वो होता है कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यानी यदि हम एनएनपी एट एफसी निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास राष्ट्रीय आय आ जाती है। और वो निकालने के लिए हमें सिंपल टर्म है राष्ट्रीय और घरेलू में अंतर बेसिकली ये होता है कि हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड राष्ट्रीय निकालने के लिए जोड़ देते हैं और घरेलू निकालने के लिए उसको माइनस कर देते हैं। तो एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। स्लाइड में आप क्वेश्चन देख रहे हो, इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है? स्लाइड में जो आप क्वेश्चन देख रहे हो उससे हमें राष्ट्रीय आय की गणना किस तरह से करनी है अब हम वो करने की कोशिश करते हैं। यहां पे जब हम वैल्यूएड मेथड की बात करते हैं तो हमें, मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि हमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र में जो मूल्य वृद्धि है उसकी गणना करनी है। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम प्राथमिक क्षेत्र में मूल्य वृद्धि ये आ जाएगी हमारे पास 1000 रुपए
उत्पाद का मूल्य है माइनस 500 रुपए, इट इज इक्वल टू 500। इसी तरह से द्वितीय क्षेत्र में निकाल लेंगे, द्वितीय क्षेत्र की जो मूल्य वृद्धि है वो हमारे पास आ जाएगी 300, उत्पाद का मूल्य है माइनस 200। यहां पे हमारे पास मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य है, ये बच गया 100 रुपए। और जो तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि हमारे पास उत्पाद का मूल्य 500 रुपए माइनस 100 रुपए मध्यवर्ती उपभोग है, यानी ये आ गया 400। इसके बाद हमें निकालना है GDP at MP। GDP at MP हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि तथा तृतीय क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि, यदि हम इन तीनों को ऐड कर दें, यानी यदि हम 500 प्लस 100 प्लस 400 को ऐड कर दें, ये हमारे पास 1000 करोड़ रुपीज में GDP at MP आ जाएगा। इस तरह से हम NDP at MP निकाल सकते हैं। वो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है GDP at MP में से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, यानी ये हमारे पास आ जाएगी, यदि हम 1000 रुपए में से डेप्रिसिएशन हमारे पास 550 करोड़ रुपए है, ये आ जाएगी 950। और इसी तरह से आगे हम गणना करते हैं। अब हम निकाल लेंगे NDP at FC, ये हमारे पास आ जाएगी NDP at MP। यहां पे FC और MP का डिफरेंस है, यानी हमें नेट इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं वो माइनस करने हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 950 माइनस 50 प्रत्यक्ष कर जो हमारे पास वो 50 है, और ये जो 20 हमारे पास है वो है अनुदान, तो ये हमारे पास टर्म आ गई 920। और जो नेशनल इनकम है NY, यानी NNP at FC, ये आ जाएगा NDP at FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी 920 प्लस 100 प्लस 10 माइनस 20, ये जो 10 है ये हमारे पास विदेशों से प्राप्त आए हैं और विदेशों को की गई आय है, ये हमारे पास 20 है, यानी ये बचेगा माइनस 10, ये आ जाएगा NDP, ये हमारे पास आ जाएगा NNP at FC, इट इज इक्वल टू 910 करोड़। इस तरह से हम इस क्वेश्चन की गणना कर सकते हैं। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि से संबंधित सावधानियां, जब हम उत्पाद विधि, हमने अभी जो डिस्कस किया है उत्पाद विधि के बारे में किया है, इससे इसमें जब हम यूज करते हैं उत्पाद विधि को राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, तो हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो हम यहां पे बताते हैं आपको। नंबर एक, पुरानी वस्तु के क्रय विक्रय को इस विधि में शामिल नहीं किया जाता, यानी यदि हम अंतिम वस्तुओं की बात करते हैं, यहां पे अंतिम वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से जिन्हें डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, जो नई चीजें होती हैं, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को हम इसमें शामिल नहीं करते। नंबर दो, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय से प्राप्त कमीशन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है, यानी पुरानी वस्तुओं को बेच के जो रुपए मिलते हैं उनको तो हम शामिल नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बिक्री से जो कमीशन प्राप्त होगा एक दलाल को, वो हम मूल्य वृद्धि में शामिल करते हैं। नंबर तीन, स्वयं उपभोग के लिए किए गए उत्पादन का बाजार मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, यानी जो हमें आइटम अपने आप परचेज करनी, अपने आप कंज्यूम करनी है, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। नंबर चार, खुद काबिज मकानों का आरोपित किराया राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, यानी जिन मकानों में खुद मकान मालिक बैठे हुए हैं उनका आरोपित किराया राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। नंबर पांच, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, यानी जो मध्यवर्ती इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं
उन इंटरमीडिएट गुड्स को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। नंबर 6, स्वयं उपभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनके मूल्य का अनुमान लगाना कठिन होता है। यानी जो सर्विसेज हम अपने आप प्रयोग कर लेते हैं उनके मूल्य का अनुमान हम नहीं लगा सकते। जैसे एक डॉक्टर अपने जो अपने बेटे को ट्रीट कर रहा है तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी तरह से एक टीचर यदि अपने बेटे को ट्यूशन देता है तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम राष्ट्रीय आय मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं करेंगे। नंबर 7, सरकारी क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बराबर होती है क्योंकि सरकारी क्षेत्र में लगान तथा ब्याज संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, न ही सरकारी क्षेत्र में लाभ की टर्म आती है। इसलिए सरकारी क्षेत्र में जो भी मूल्य वृद्धि हमें लेनी है वो कर्मचारियों को जो भी दिया जाना है पारिश्रमिक, जो वेतन हम उनको देते हैं उसी को हम उसी के बराबर होती है उसमें मूल्य वृद्धि। दोहरी गणना की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना की समस्या पैदा हो जाती है। जब वस्तु के मूल्य की गणना एक से अधिक बार होती है तो इसे दोहरी गणना कहते हैं। यानी यदि हम किसी वैल्यू किसी आइटम को दो एक से ज्यादा बार काउंट कर लें तो दोहरी गणना की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। मान लो एक किसान 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करता है, इसके लिए मान लो वह खाद बीज सिंचाई आदि पर कोई खर्च नहीं करता, वह इसे आटा मिल को 1000 रुपए में बेच देता है। यानी एक किसान ने 1 क्विंटल गेहूं 1000 रुपए में आटा मिल के मालिक को दी। आटा मिल का मालिक गेहूं को मैदे में परिवर्तित करके बेकरी वाले को 1200 रुपए में बेच देता है और बेकरी वाला मैदे से डबल रोटी तैयार करके दुकानदार को 1400 रुपए में बेच देता है। दुकानदार डबल रोटी को अंतिम उपभोक्ता को 1500 रुपए में बेच देता है। इस तरह से यदि हम इनमें उत्पादन का मूल्य कैलकुलेट करते हैं तो पहले किसान ने आटा मिल मालिक को 1000 रुपए में बेचा, फिर आटा मिल मालिक ने बेकरी वाले को 1200 में, बेकरी वाले ने दुकानदार को 1400 में, दुकानदार ने अंतिम उपभोक्ता को 1500 में, टोटल हो गया 5100 रुपए। जब हम इस प्रकार उत्पादन का मूल्य निकालते हैं तो गेहूं के मूल्य की गणना बार बार हो रही है जिसे दोहरी गणना की समस्या पैदा हो जाती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना संबंधी आंकड़े गलत हो जाते हैं। अब यदि हमारे पास दोहरी गणना की समस्या पैदा हो रही है तो इससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं? दोहरी गणना की समस्या से बचाव के 2 उपाय हैं। नंबर 1, अंतिम उत्पाद विधि। दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाना चाहिए। इस विधि के अनुसार दोहरी गणना की गलती से बचने के लिए उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य हम घटा देते हैं। यानी अंतिम उत्पाद बराबर है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। या हमारे पास इसकी दूसरी विधि है, उसमें मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं। इससे अभिप्राय यह है कि उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक फर्म द्वारा वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है। मूल्य वृद्धि ज्ञात करने के लिए किसी वस्तु के उत्पादन मूल्य में से उसकी लागत को घटा दिया जाता है। इस तरह से भी हम दोहरी गणना से बच सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ गृह कार्य देता हूं, ये आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा है, उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि का वर्णन करें तथा उत्पाद विधि से संबंधित कोई 4 सावधानियां बताइए। नंबर 2, दोहरी गणना की समस्या से क्या अभिप्राय है। दोहरी गणना की समस्या से बचाव के कौन कौन से उपाय हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपने अपने कंसर्न टीचर की हेल्प से सॉल्व करने हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार।